हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर यू ओके? टुडे वी आर वंस अगेन ओवर हेयर टू रिज्यूम द सेम क्लासेस फॉर क्लास 10th. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टिल चैप्टर 5 इन मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन क्लास 10th. एंड आई हैव आस्क्ड यू इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, यू कैन टेल मी द क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड आई हैव गिवेन यू ऑल्सो सम ऑफ द सोल्यूशंस वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड बाई यू. नाउ विद अनदर चैप्टर दैट इज ट्राइंगल वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्राइंगल, बट सिमिलरिटी वी हैव टू स्टडी इन द सेम. बट बिफोर कमिंग टू दैट सिमिलरिटी, वी मस्ट नो कंग्रुवेंसी. कंग्रुवेंसी को जानना या कंग्रुएंट फिगर्स को जानना जरूरी है. और इन दोनों बातों को जानने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलिए कंग्रुएंट फिगर्स या कंग्रुएंसी को समझते हैं. उसके बाद हम लोग कंग्रुएंस क्या है, कंग्रुएंस ऑब्लिक सिमिलरिटी, इन दोनों पे चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. कंग्रुएंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है. कंग्रुएंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में सर्वांग सम. हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए. सर्वांग सम मीन्स इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स. इसको ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी में, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब में अगर इक्वल है तो कंग्रुएंट है. कंग्रुएंस का जो हिंदी है सर्वांग सम, इसको थोड़ा सा एक बार विच्छेद करके देखिए. सर्व प्लस अंग प्लस सम, तब ये होता है सर्वांग सम. सर्व का मतलब होता है सभी, सभी मीन्स ऑल, अंग मीन्स पार्ट कह सकते हैं. अंग को यहाँ अंग ही लिखे हिंदी में. असम मीन्स बराबर, मतलब इसको ऐसे कहते हैं ऑल पार्ट्स. ऐसे अगर ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में तो ऑल पार्ट्स इक्वल, मतलब किसी दो ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है तो वो सर्वांग सम है, वो कंग्रुएंट है. मीन्स टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर कंग्रुएंट इफ देयर ऑल पार्ट्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू वन अनदर. तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि टू फिगर्स कंग्रुएंसी के लिए मैं लिख रहा हूँ, फिर सिमिलरिटी को भी लिखूंगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे. टू फिगर्स ये बैकग्राउंड है, मतलब हमें इस टेक्स्ट को शुरू करने के पहले या इस चैप्टर को शुरू करने के पहले इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए. तो टू फिगर्स आर said to be congruent if their corresponding parts are equal. मतलब corresponding parts are equal. तो triangle congruent कब होगा? तो क्या triangle में we know there are 6 parts. तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होंगे? जब एक के तीनों एंगल्स दूसरे के तीनों एंगल्स के क्रमशः या कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर होंगे. एक के तीनों साइड्स दूसरे के तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर होंगे, देन बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी कंग्रुएंट. तो इस तरह से कंग्रुएंट होने के लिए जरूरी है कि अब फिगर की दो बातें होती है, एक तो उनका शेप होता है और साइज होता है. तो दो फिगर, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो फिगर का सेम शेप और साइज हो तो कंग्रुएंट है. तो दूसरे ढंग से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप यू अंडरस्टैंड एंड साइज आर कंग्रुएंट. मतलब दो फिगर जिनके सेम शेप और साइज हो. शेप क्या है और साइज क्या है मैं समझाता हूं. जैसे मान लीजिए दो स्क्वायर है यहां, ये स्क्वायर है जैसे ए बी सी डी, ये स्क्वायर है इसका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसके ये साइड से. दूसरा भी स्क्वायर है इसका भी, मान लीजिए पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस है, इसका भी 4 4 ये साइज है इसका. तो ये डायमेंशन इसका साइज हो गया, लेंथ 4 ब्रेथ 4, मतलब इसका डायमेंशन 4 है तो साइज इसका सेम हो गया. तो सेम साइज, ये साइज की बात हो गई. आ शेप मीन्स बोथ ऑफ देम आर स्क्वायरियल, दोनों के दोनों स्क्वायरियल है तो ये सेम शेप हो गया.
तो सेम शेप हो और साइज भी सेम हो तो वो कंग्रुएंट होंगे। अब आते हैं हम लोग सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी को हम लोग कहते हैं समरूप। ऐसे इनके हम लोग इनके सिंबल्स पे भी जाएंगे कि इस तरह कैसे इनको डिनोट किया जाता है। तो सिमिलरिटी के लिए कहा जाता है टू फिगर्स, ये सिमिलरिटी के लिए, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, सेम शेप आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर मतलब दो फिगर अगर उनका सेम शेप हो तो वो सिमिलर होते हैं। अब सेम शेप हो जैसे मतलब जरूरी नहीं है कि उनका साइज इक्वल हो, इसमें हम लोग लिख सकते हैं नॉट नेसेसरी दैट देयर साइज वुड बी इक्वल, मतलब ये जरूरी नहीं कि उनका साइज भी इक्वल हो, केवल सेम शेप हो तो सिमिलर हो जाएंगे और साइज भी सेम हो गया तो कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक बात ये है कि सेम शेप और साइज है तो कंग्रुएंट है और केवल सेम शेप है तो सिमिलर है। तो ऐसे फिगर जो कंग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। अब इस आधार पे मतलब इसमें भी तो शेप है, इसमें कहा गया कि सेम शेप है तो सेम शेप इसमें भी है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कंग्रुएंट। तो इस रिजल्ट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ क्या है रिजल्ट कि ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर फिगर्स वुड बी कंग्रुएंट। मतलब जितने भी कंग्रुएंट फिगर है वो जरूरी है कि वो सिमिलर होंगे, लेकिन जितने सिमिलर फिगर्स है वो जरूरी नहीं कि कंग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर होने के लिए वी नो ओनली सेम शेप इज रिक्वायर्ड और कंग्रुएंट होने के लिए हमें पता है शेप और साइज दोनों की जरूरत है। अब जरा सा हम लोग इसमें अब सिमिलरिटी की बात करते हैं। जैसे सेम शेप किसका हो सकता है, तो कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनका सेम शेप होता है, जैसे ऑल लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, जितने लाइन सेगमेंट होंगे सब के सब सिमिलर होंगे। अब लाइन सेगमेंट छोटा या बड़ा, ये छोटा लाइन सेगमेंट है ए बी, एक दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी, तो ये इनका शेप तो सेम है, साइज अलग अलग है। तो यहाँ सेम शेप है लेकिन साइज अलग अलग है, तो सेम शेप वाले जितने हैं सब के सब सिमिलर होंगे। उसके बाद दूसरा ऑल इक्वी लेटरल या इक्वी एंगुलर भी कह सकते हैं इसको, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जितने इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं सबके सब सिमिलर होते हैं। फिर ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, जितने स्क्वायर्स हैं वो सबके सब सिमिलर होते हैं। फिर अगला बात है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने सर्कल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शेप एक ही जैसा है, सभी के सभी सर्कल गोल होंगे तो इसलिए सिमिलर होंगे। सभी के सभी स्क्वायर्स यू नो वी हैव रिटन गिवन ऑलरेडी स्क्वायर्स, दे आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सेम शेप है, चूंकि सारे एंगल्स इक्वल होंगे और इक्वल चूंकि साइड्स होते हैं तो साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, मतलब सेम शेप है। तो इस तरह से ये जितने भी फिगर्स हैं सब के सब सिमिलर होंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है कि आर ऑल रेक्टेंगल सिमिलर, क्योंकि उनका भी तो सेम शेप है, तो क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप्स है, तो यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। क्यों? तो इसका आपका आंसर बाद में मिलेगा, क्योंकि एंगल के इक्वल होने के साथ साथ उनके साइड्स का भी प्रोपोर्शनल होना, मतलब साइड का भी रेशियो का सेम होना जरूरी है। ऐसे शेप है, शेप के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे लाइन सेगमेंट्स
जितने हैं सारे लाइन सेगमेंट्स ये सब के सब सिमिलर हैं, उनके साइज से कोई मतलब नहीं है, ये फिर ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो ये सिमिलरिटी वर्सेस कंग्रुएंसी का एक वो था, मतलब वी हैव जस्ट क्रॉस कंपेयर्ड बोथ ऑफ देम, कंग्रुएंस एज वेल एज सिमिलरिटी। नाउ सम ऑफ द थिंग इज लेफ्ट, जैसे अब इसका सिंबल कैसे होता है कंग्रुएंसी का, तो सिंबल कंग्रुएंसी का देखिए, इक्वल साइन एंड एक एक बर्ड को फ्लाई करा देना है, इसमें दो साइन होता है, एक इक्वल उसके ऊपर वो, इसका सिंबल क्या होता है, सिमिलरिटी का सिंबल होता है ये फ्लाइंग बर्ड, जस्ट बस इतना। अब फर्क क्या है, तो इसके फर्क को मैं यहां समझाता हूं, जैसे ये देखिए कंग्रुएंसी का है इक्वल और फिर ये, तो फ्लाइंग बर्ड जैसा, तो ये जो है दो सिंबल्स जो दिए गए, एक सिंबल इक्वल का है, तो इक्वल किसके लिए, ये साइज के लिए, इक्वल हो गया साइज के लिए, और ये फ्लाइंग बर्ड जो है ये हो गया शेप के लिए। तो ये सिंबल से भी समझ में आता है कि जहां साइज इक्वल होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, अगर क्लॉथ 5 मीटर है तो द क्लॉथ इज इक्वल टू 5 किलोमीटर 5 मीटर, तो वहां हम लोग इक्वल देते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन अमाउंट, दिस इज वाई इक्वल साइन इज गिवन, इट मीन साइज इज सेम, दिस इज वाई इक्वल साइन गिवन, और शेप सेम होगा तो उसके लिए ये फ्लाइंग बर्ड वाला जो शेप दिया जा रहा है ये है, इसको सिमिलर साइन कहते हैं। तो कंग्रुएंसी के लिए बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, लेकिन सिमिलरिटी के लिए केवल ये फ्लाइंग बर्ड, सिमिलरिटी के लिए केवल आप फ्लाइंग बर्ड वाला साइन दे देंगे सिमिलरिटी, और फ्लाइंग बर्ड कैसे, तो ऐसे आप कर देंगे, तो इसमें चूंकि केवल शेप है इसलिए ये वाला साइन देते हैं, सिंबल देते हैं। तो इससे भी समझ में आता है कि सिंबल के आधार पे सेम शेप चाहिए, और कंग्रुएंसी के आधार पे साइज, साइज और शेप दोनों चाहिए, क्योंकि साइज के लिए इक्वल साइन और शेप के लिए वो फ्लाइंग बर्ड वाला साइज, मतलब सिमिलर साइन। तो इस तरह से इक्वल और सिमिलर साइन मिलकर कंग्रुएंसी हो जाता है, केवल सिमिलर साइन से सिमिलरिटी हो जाता है। देन स्टूडेंट्स इन द सेम कोर्स कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम कंग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स वी आर गोइंग टू हैव सम एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स बाई गिविंग यू टू फिगर्स ऑफ सपोज ए स्क्वायर्स। तो मान लीजिए कि आपको कंग्रुएंट फिगर्स में दो टू स्क्वायर दिए जा रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, दिस इज अ स्क्वायर, अनदर स्क्वायर इज ऑल्सो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, देन suppose this is 5 centimeter, AB is 5 centimeter and this is also 5 centimeter, both of them are squares and we know squares are having angles equal to 90 degree, right angle, and their sides are equal, then on that ground we can say both of the figures means ABCD and PQRS are congruent। तो हम ऐसे लिखेंगे कि quadrilateral, quadrilateral or square, quadrilateral ABCD, ABCD is congruent to quadrilateral PQRS। क्यों congruent है, ये congruent का सिंबल है, मैंने पहले भी आपको सिंबल बताया, तो क्यों, तो हम लोग लिख सकते हैं as AB is equal to, means corresponding sides are equal, AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and here DC is equal to SR, and AD is equal to PS, means corresponding sides are equal, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनको कहेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, तो फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वी शुड राइट, इनके एंगल्स की बात करते हैं, जैसे ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, angle D is equal to angle S, then by this way we can say means all parts of both of the quadrilaterals are equal, means all angles and all sides are equal, this is why they are congruent, means all parts, their diagonals will be also equal, this is also a part, so diagonals will be also equal, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि both of them are congruent। लेकिन इसी को अगर similar कराना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये square है suppose, और there is a big square, I have told you a square of any size they are सिमिलर टू ईच अदर, ये बड़ा स्क्वायर है, तो हम अगर इसको लिखेंगे ये ए बी सी डी है, अनदर इज पी क्यू आर एस,
then both of them are also similar. A, B, C, D, they are similar to a quadrilateral. A, B, C, D is similar to quadrilateral P, Q, R, S. ये सिमिलर है. और सिमिलर होने के लिए क्या शर्त है? तो सिमिलर होने के लिए शर्त है उनके एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस. और ये साइड्स का प्रोपोर्शनल, पहला एंगल्स का इक्वल होना और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होना. मीन्स ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू सी डी बाई एस आर इज इक्वल टू दैट ए डी बाई पी एस एस पी. तो इस तरह से अगर इनके एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, देन बोथ ऑफ देम आर सिमिलर. तो दिस इज डिफरेंशिएशन बिटवीन, एंड वी हैव डिफरेंशिएटेड बोथ ऑफ द figures, means squares in both of the sides, congruent figures and similar figures, and we have also got to know what are the different parameters on the basis of them we can say both of them are congruent and similar. Now we are going to study what we have to study, what we have to find in this particular chapter, similarity of triangles. On that we are going to discuss. Now students, what we have to study in this particular chapter, similarity of triangles, let us discuss that. Whatever we have studied till now, these are the things which must be known before coming to the point. So we have just known all those things. Now coming to this particular topic, what we have to cover right now in this particular chapter, similar triangles. Then which two triangles are said to be similar, let us discuss over that. Then at first let us see two triangles I am making. See, this is triangle ABC, suppose. This is the name of the triangle ABC. Another triangle I am drawing, this is PQR. Another triangle PQR has been drawn. Suppose angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and angle A is equal to angle P, and their sides are proportional, their corresponding sides are proportional, then both of the triangles are said to be similar. So let us write it over here. Two triangles are said to be similar. Two triangles are said to be similar if their corresponding term you know already. There is no need to discuss about corresponding, because in class 7, class 8, corresponding means corresponding of B is Q, corresponding of A is P, corresponding of C is R. Then corresponding angles are equal. This is the first thing. If their first one, their corresponding angles are equal, and the second, corresponding sides are proportional. Corresponding sides are equal, corresponding angles are equal, and corresponding sides are proportional. Let us see in both of the triangles. In triangle ABC and triangle PQR, let us discuss over that. Corresponding angles. So, what are corresponding angles? First point that we have covered already. Corresponding angles. What are they? Corresponding angles are angle A must be equal to angle P. Angle B must be equal to angle Q, angle C must be equal to angle R. They are corresponding angles. Now the second thing that we have to cover, that we have already known, corresponding sides. Then see what are corresponding sides and what should be done for them. Corresponding sides, then they are AB upon PQ must be equal to AB upon PQ, means AB butta PQ
इक्वल होना चाहिए BC by QR के, और इसको इक्वल होना चाहिए AC by PR के. सॉरी. तो इस प्रकार से कि व्हेन ऑल द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन बोथ ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर. तो इस तरह से अगर दोनों में ये बात लागू हो जाती है, दोनों बात मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स. नाउ एक्सरसाइज 6.1 इन योर NCERT बुक और इन RS अग्रवाल ऑल्सो यू कैन डू बाई योर सेल्फ. आफ्टर दैट, आफ्टर दिस वीडियो क्लिप आई ऑल्सो विल बी ओवर हेयर अमोंग यू टू प्रेजेंट दैट BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, दैट विल बी मेड यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लिप. बट बिफोर लिविंग द वीडियो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट ऑल स्टडी स्टफ व्हेनेवर इट इज बीइंग अपलोडेड शुड रीच यू इजिली विदाउट एनी हर्डल.